बहुत बच्चे स्मशान भूमि में मिले हैं यहाँ के, सब बच्चे HIV पॉजिटिव हैं और इन सब के माँ बाप एड्स में गुजर गए हैं। कचरा कुंडी में मिलते हैं, रेलवे स्टेशन में मिलते हैं, ST स्टैंड पे मिलते हैं, समाज या कोई भी उसको मरने के लिए वहाँ छोड़ जाते हैं। रिश्तेदारों को उसकी जिम्मेदारी नहीं चाहिए, उसका सम्मान से जीने का हक तो है, जिसका कोई नहीं है उसका पाल भी है। पालवी का जो काम 2001 में शुरू हुआ, दो बच्चों से चालू किया था, अब 125 बच्चे हैं। जो बच्चा यहाँ आता है तो वो बहुत मुश्किल में होता है, ऐसे स्थिति में आता है कि आप देख भी नहीं पाते उसको, वो सब तरफ से नफरत झेल कर आते हैं। सबसे पहला प्रयास ये रहता है कि उसको भर भर से प्यार देंगे। मेरा उसका रिश्ता माँ बच्चे का ही है। आज भी इन सब बच्चों का खाना बनाने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। जब माँ करती है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्यार घुल मिल जाता है, इसलिए खुशी से खाते हैं। और जब खुशी से जाता है पेट में तो वो सेहत के लिए अच्छा रहता है। अभी इन सब बच्चों को रखने के लिए कंस्ट्रक्शन की बहुत बहुत ज़रूरत है। अब जो घर है बहुत छोटा पड़ रहा है। अभी क्या होता है, एक रूम में 10 या 15 बच्चे रहते हैं, एक को जो इन्फेक्शन हो जाता है तो दूसरे को हो जाता है, तीसरे को हो जाता है। सबको विनती करती हूँ कि कंस्ट्रक्शन के लिए मदद आप खुले दिल से करें। एक बड़ा घर बनाना और वो जल्द बनाना जरूरी है।